स्पीड न्यूज के पेश करता है टेक्नोविजन, योर पार्टनर इन मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं फरहाद। आइए देखते हैं 5 अक्टूबर की 25 अहम खबरें स्पीड न्यूज में। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉटिन नामी तीनों साइंसदानों को मिला मेडिसिन का नोबल अवार्ड। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के एडवाइजर शहबाज गिल ने किया सनसनीखेज इंकशाफ, कहा नेपाल में नवाज शरीफ ने की नरेंद्र मोदी से सीक्रेट मीटिंग। चीन की सरकार के तर्जुमान ग्लोबल टाइम्स ने अपना प्रोपेगेंडा छापकर भारत की मोदी सरकार को दी धमकी, कहा जंग हुई तो अटल टनल को बर्बाद कर दिया जाएगा। आर्मेनिया और आजरबैजान में घमासान की जंग जारी, 3 जंगी तैयारे मार गिराने के आर्मेनिया के दावे को आजरबैजान ने कर दिया मुस्तरद, कहा मुतनाज़े इलाके से निकल जाए तभी होगी जंगबंदी। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसेंडा ने फिर किया ऐलान, कहा हमारे मुल्क ने कोरोना वायरस को दूसरी मर्तबा हरा दिया, न्यूजीलैंड की आवाम को दी मुबारकबाद। जेईई एडवांस्ड 2020 एग्जाम्स के रिजल्ट हुए जारी, आईआईटी बॉम्बे जोन के चिराग ने पहली जबकि लड़कियों में कनिष्का मित्तल ने हासिल की फर्स्ट पोजिशन। देश से करोड़ों का कर्ज लेकर भागे विजय माल्या की हिंदुस्तान को हवालगी पर मोदी सरकार ने दिया बयान, कहा ब्रिटेन नहीं कर रहा अमल, चल रही है खुफिया कार्रवाई। मोदी सरकार के राज में अडानी ग्रुप को मिली एक और कामयाबी, कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड में 12,000 करोड़ रुपए देकर पोर्ट का हासिल कर लिया पूरा कंट्रोल। लोन मॉरिटोरियम मामले में मरकज की मोदी सरकार की तजवीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गैर इत्मीनानी, पूछा इस स्कीम के साथ बैंक कैसे आगे बढ़ेंगे, जवाब देने के लिए दिया 1 हफ्ते का टाइम। डीआरडीओ की एक और कामयाबी, सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का किया कामयाब टेस्ट, एंटी वॉरफेयर सबमरीन में आएगी काम, डिफेंस मिनिस्टर ने दी मुबारकबाद। एयरफोर्स के चीफ आरकेएस भदौरिया का बड़ा बयान, कहा चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स है पूरी तरह से तैयार। साउथ कश्मीर के जिला पुलवामा के पामपोर में दहशतगर्दों का बड़ा हमला, हमले में सीआरपीएफ के 2 एहलकार शहीद, दिगर 3 जख्मी, सिक्योरिटी एहलकारों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। पंजाब में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया तेज हमला, कहा सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी, 6 साल से गरीबों मजदूरों और किसानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी के शिव कुमार और उनके भाई के घरों और दफ्तरों पर सीबीआई के छापे, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया बदले की सियासत का इल्जाम। बैलेट पेपर से होंगे जीएचएमसी इलेक्शन, तेलंगाना इलेक्शन कमीशन का जीएचएमसी इलेक्शन के हवाले से अहम फैसला, नवंबर के दूसरे हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में जारी डबल बेडरूम मकानात का किया मुआयना, कहा केसीआर सरकार गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर में हुई नाकाम। बीजेपी को मिली ताकत, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह की बेटी हुई बीजेपी में शामिल, बिहार असेंबली के अमरपुर या फिर जमुई असेंबली सीट से लड़ सकती है इलेक्शन। एलजेपी ने बिहार में बिगाड़ा बीजेपी का गेम प्लान, चिराग पासवान ने कहा बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाश करने के लिए एनडीए से अलग होने का लिया फैसला। बिहार में हाथरस मामले में आरजेडी से शदीद हमलों को बर्दाश्त कर रही बीजेपी को मिला मौका, दलित लीडर के कत्ल में घिरे तेजस्वी यादव, एफआईआर भी हुई दर्ज। हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामले पर योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी खामोशी, की आनों का इंकशाफ, कहा यूपी में नस्ली फसाद कराने की कुछ लोग कर रहे हैं साजिश। हाथरस मुतासर खानदान से मिलने गए आप लीडर संजय सिंह और एमएलए राकेश बिरलान पर हिंदुत्ववादी तंजीम के एक मेंबर दीपक ने फेंकी इंक, संजय सिंह ने कहा दरिंदों के साथ खड़े हैं योगी। रेप के वाकयात को छोटा बड़ा कहने वाले छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में मंत्री शिव कुमार दहारिया पर बरसी एक्ट्रेस सौरा भास्कर, कहा इसी वजह से रेप कल्चर को मिल रहा है बढ़ावा।
रेप पर बीजेपी एमएलए शिवेंद्र कुमार सिंह ने दिया नया मंत्र। कहा, संस्कार यानी अखलाक से रुक सकते हैं रेप के वाकयात। जवान बेटियों को अच्छे संस्कार देने की माँ बाप से की अपील। सुशांत मामले में एम्स की रिपोर्ट आने के बाद शिवसेना ने किया जवाबी हमला। कहा, कुत्तों की तरह भौंकने वाले लीडर्स और न्यूज चैनल अब मांगे महाराष्ट्र सरकार से माफी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। चिप्स के पैकेट में आए छोटे गिफ्ट पैकेट को निगलने से एक साल की मोनिका नामी लड़की की हुई मौत। पीबीएनएसपी न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।